जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं प्रिंस कुमार। और प्रिंस कुमार के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं कि इन्होंने वर्ष 2021 में जो SSC GD की परीक्षा आयोजित हुई थी उसको पास किया है इन्होंने। हालांकि अभी मेडिकल बचा हुआ है तो फाइनल रिजल्ट आने में अभी देरी है, लेकिन इन्होंने रिटन एग्ज़ाम और रिटन के साथ साथ जो फिजिकल था उसको इन्होंने पास कर लिया है। तो इस सेशन को आयोजित करने का उद्देश्य बस इतना सा है कि जो इस बार SSC GD की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो जान सकें कि सर रणनीति क्या रहती है सफल विद्यार्थियों की, किस प्रकार से वो अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं और किस प्रकार से वो सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं से जानेंगे। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा दो लाइनों से कि लाख दलदल हो पैर जमाई रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाई रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक धैर्य बनाए तो रखिए। तो धैर्य और मेहनत से आपको सफलता मिल जाती है और इसका साक्षात मिसाल आज हमारे सामने बैठे हैं प्रिंस कुमार। तो मैं प्रिंस कुमार से कहूंगा कि वो पहले अपना परिचय दें कि वो उत्तर प्रदेश के किस हिस्से से आते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति किस प्रकार की है, घर में उनको किस प्रकार का सहयोग मिला और इस परीक्षा को वो पास कर चुके हैं। तो आप लोग उनसे सीखेंगे और उनकी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो प्रिंस जी बताइए आप अपने बारे में कि मतलब किस प्रकार से और कब आपने इस परीक्षा को की तैयारी को करना शुरू किया। पहले तो आपको इस परीक्षा के बारे में पता कहाँ से लगा, तो इस बारे में आप लोग बताएंगे, पहले आप बताएंगे। जी सर, तो सबसे पहले मैं नितिन सर का और पूरी एग्जाम बोर्ड टीम का बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। जी सर, और सबसे पहले मैं बताऊँगा कि सर जो ये SSC GD का एग्जाम है इसमें लाखों लोग इसके फॉर्म को फिलअप करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ही होती है कि इस जी परीक्षा को पास करके हम देश सेवा में जाएं, देश की सेवा करें। ये जो SSC GD की भर्ती होती है, SSC GD के लिए ऑल इंडिया में इसके फॉर्म निकलते हैं और जितने भी लोग होते हैं इसके लिए बिल्कुल तैयार में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वैकेंसी होती है कि जो भी स्टूडेंट फौज में जाना चाहता है वो SSC GD को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। हाँ, सही बात बोली इन्होंने कि जो विद्यार्थी देश की सेवा करने का, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का सपना देखता है उसके लिए सबसे पहला रास्ता होता है SSC GD। और SSC GD हर वो विद्यार्थी जो 10वीं पास होता है और 18 साल की जिसकी एज कम से कम हो जाती है, तो वो सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को भरते हैं आमतौर पर, जो भी देश की सेवा को करना चाहते हैं। और ये इतना मुश्किल रास्ता नहीं होता कि जिसको आप पास नहीं कर सकते या जिसको आप पार नहीं कर सकते। कुछ मुश्किलें ज़रूर आती हैं, कुछ चुनौतियां ज़रूर होती हैं, क्योंकि आप कई लाख विद्यार्थियों के बीच में इस परीक्षा को देते हैं। तो सर आपने बताया कि पूरे भारत में इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है, तो हम शुरुआत करना चाहेंगे कि आप मतलब कहां से हैं, किस प्रकार से आपने इस परीक्षा को शुरू किया, आपकी शिक्षा वगैरह कैसी रही है। जी सर, कहां से? तो सर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश एक छोटे से जिले बुलंदशहर का मैं रहने वाला हूं, और मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, बुलंदशहर में एक छोटा सा गांव है वहां से ही बिलोंग करता हूं। और मेरी जो जर्नी है वो मेरे गांव से स्टार्ट होती है, जब मैं देखा कि मेरे गांव से बहुत सारे लोग SSC GD में सेलेक्टेड हैं तो मैंने भी सोचा क्यों ना क्यों इसकी तैयारी की जाए। और मैं पहले काफ़ी सारे एग्जाम दे चुका था लेकिन सिलेक्शन किसी में नहीं हो रहा था, घर वाले भी बोल रहे थे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ आगे ही तैयारी करने स्टार्ट कर दे, और भी बहुत ऑप्शन है उनको देखते हैं। लेकिन मेरे अंदर ये था कि भाई सबसे पहले देश सेवा है, उसके बाद और जो है वो करेंगे, इसलिए मैंने सबसे पहले SSC GD के एग्ज़ाम को दिया। इससे पहले मैं काफ़ी एग्जाम दे चुका था, जैसे UP पुलिस का एग्जाम दे चुका था, उस टाइम मेरी एज हुई थी लेकिन मैं वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया, क्योंकि सर उस टाइम ये था कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था एग्ज़ाम का और तैयारी भी नहीं थी इतनी, और उसके बाद मुझे सिलेबस का भी नहीं पता था लेकिन मैं एग्ज़ाम देने चला गया था। और मुझे UP पुलिस का जो एग्ज़ाम है मुझे याद भी याद है, उस टाइम मैं जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही आई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी सर, मैं आगे बढ़ता रहा और मेरी जर्नी थी वो आगे बढ़ती रही। फिर मुझे पता चला SSC GD के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे गांव से भी हैं, तो मैंने इसके फॉर्म को फिर फिलअप किया। 2021 में ये वैकेंसी आई थी जी सर, तो उसके बाद मैंने फॉर्म को फिलअप किया। तो इसका जो सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पहले आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि SSC GD जो निकालना है वो इतना टफ भी नहीं है, अगर आप सही से सिलेबस को पढ़ लोगे तो सिलेबस अगर आपके दिमाग में है तो आप इस एग्जाम को बहुत इजीली क्रैक कर जाओगे। तो सर सबसे पहले मैंने देखा कि भाई सिलेबस क्या है, तो सिलेबस मैंने अपना पहले उसका फोटो निकाल के दीवार पे चिपका दिया, क्योंकि जब मैं पढ़ूँ तो मुझे वही सिलेबस याद रहे। तो सर मेरे कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें मैं अच्छा भी था, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे जो मेरे बहुत ज़्यादा वीक भी थे, तो मैंने देखा कि इस एग्जाम के लिए केवल आपके चारों सब्जेक्ट होना ज़्यादा, अगर आपके चारों सब्जेक्ट अगर ठीक भी नहीं है
तब भी आप इसको आराम से निकाल लोगे, तब भी आप क्वालिफाई कर लोगे, तब भी आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। प्रिंस ने ना, प्रिंस की बातों को समझना आप शुरू करिए। प्रिंस ने कहा कि मैंने जो मेरी प्रेरणा स्रोत है, मेरे गांव के ही कई सारे लोग हैं जो पहले से देश की सेवा कर रहे हैं, मतलब एसएससी जीडी के थ्रू जो बहुत सारे लोग जॉब ले चुके हैं, उनसे मैंने प्रेरणा ली और उसके बाद इस तैयारी को शुरू किया। पहली बात इसको समझिए। दूसरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है, इन्होंने कहा कि पहले बहुत सारे एग्जामिनेशन में मेरा नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो प्रिंस आज आपके सामने बैठे हैं वो सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थी हैं, मतलब सामान्य कह सकते हैं हमारी आपकी तरह जैसे ज़्यादातर विद्यार्थी होते हैं। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो शुरुआत से कोई हाई फाई होते होंगे, अलग से होते होंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एग्जाम में मुझे असफलता मिली, जैसे आप सब जानते हैं कि आपको भी असफलता मिली होगी आगे के कई सारे एग्जाम में जो आप पहले दे चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे के एग्जाम अब क्वालिफाई नहीं कर सकते। प्रिंस ने अपनी रणनीति को बदला होगा, जाहिर सी बात है। अब तीसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि सर मैंने कई एग्जाम ऐसे दिए जहां मुझे सिलेबस भी नहीं पता था, बट एसएससी जीडी के एग्जाम में जब बैठा तो सबसे पहले मैंने सिलेबस पढ़ा कि सिलेबस क्या है, मतलब एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या उस रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूँ, क्या वो जो चाह रहा है मेरे अंदर वो चीज़ें मैं अपने अंदर डाल सकता हूँ, जिन विषयों का ज्ञान उसे चाहिए मुझसे, जिन विषयों के ज्ञान की उम्मीद उसे मुझसे है, क्या वो मैं ग्रहण कर सकता हूँ। तो सिलेबस को समझना पड़ेगा पहले। और उन्होंने कहा कि सिलेबस में अगर मान लो कि एकाध कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत अच्छा नहीं है आपका, फिर भी काम चल जाएगा, वो देखेंगे कैसे चल जाएगा। और इस बात का उदाहरण ये खुद देंगे कि सर चला था इनका काम। तो चलिए सिलेबस पर सर हम पहुंच जाते हैं। जैसे आपने देखा कि हिंदी होता है, जीएस होता है, मैथ और रीजनिंग, ये चार इंपॉर्टेंट है, या फिर हिंदी की जगह हम इंग्लिश भी कर सकते हैं। एसएससी जीडी में ये हमारे पास ऑप्शन होता है। जी सर, आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी एक सेलेक्ट जो सब्जेक्ट है वो चॉइस कर सकते हो अपना। मैंने जो किया था चॉइस वो हिंदी किया था, क्योंकि मैं हिंदी लेवल से आता हूँ। मैंने जो है यूपी बोर्ड से किया हुआ है, जो 10th पास है। तो सर मैंने क्या किया, सबसे पहले गांव के बच्चे सोचते हैं कि भाई मेरा जो मैथ कमजोर है या मेरा रीजनिंग कमजोर है या अदरवाइज कोई सा भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो कमजोर है। अक्सर ये भाव या ये मन में रहता है कि सर मैं शायद जो शहर के बच्चे हैं उनको कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, या जो अच्छे स्कूल में पढ़े उनको कम्पीट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता, ये आप प्रिंस से समझ सकते हैं कि मन में अगर आता है कि मैथ कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है तो कभी मन में नहीं लाना है। बस आना ये चाहिए कि क्या मैं उतनी मेहनत कर पा रहा हूँ जिससे ये सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। अगर उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे तो पूरे जीवन भर वो सब्जेक्ट कमजोर रहेगा, और अगर उतनी मेहनत कर ली आपने जितने उसके लिए रिक्वायरमेंट है तो फिर वो कमजोर नहीं रहेगा, हमेशा मजबूत हो जाएगा आपका। जी सर, तो सर सबसे पहले क्या हुआ, मैंने जब सिलेबस को देखा तो मुझे लगा था कि भाई मैं इस एग्जाम को जो है आराम से क्रैक कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे इसमें दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, मतलब एवरेज है। बहुत ज्यादा जो अच्छे हैं वो कौन कौन से थे? वो थे सर मेरा एक हिंदी था और एक रीजनिंग था। बहुत बढ़िया। मैथ जो था मेरा, मैंने पीसीएम से किया हुआ है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा भी नहीं था, मैं उसे बोलूंगा एवरेज था। लेकिन जो जीके जीएस होती है वो सभी की ऐसी होती है, क्योंकि जीके जीएस का पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। तो मैंने सोचा कि मैंने बहुत सारे लोगों से पहले सलाह भी ली थी, एडवाइस वगैरह लेता रहता था मैं गांव में कि मेरा ये सब्जेक्ट ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट अगर ठीक भी नहीं है तो आपको सबसे पहले वो सब्जेक्ट देखना है आपका जो आपका ठीक है, उन पर आपको फोकस करना है। क्योंकि एसएससी जीडी का निकालने के लिए अगर आप यहाँ पर एक टॉपर की तरह सोचोगे तो टॉपर बन जाओगे। अगर आप सोचोगे कि मुझे बिल्कुल पीछे ही जाना है तो आप बिल्कुल पीछे चले जाओगे। रियल बात तो यही है कि सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है उन चीजों पर जो आपकी सबसे बेस्ट है। जैसे मेरे हिंदी बेस्ट था और मेरा रीजनिंग बेस्ट था, तो मैंने रीजनिंग और हिंदी दोनों को ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इनको टाइम दूंगा तो ये मेरे अच्छे सब्जेक्ट हैं और अच्छा है, मैं इसको कर जाऊंगा। मेरा मैथ और जो मतलब था अच्छे का मतलब है कि फिर ये हुआ ना सर कि उन दो सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका ज्यादा मन लगता है, मेरा मन लगता, तभी आपने उनको ज्यादा समय दिया। जी, मैंने जो था यहाँ पर एक यूनिक तरीके से सोचा कि सर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इन दोनों पर फोकस करूंगा तो मेरे अगर इसमें अच्छा इस पर हो जाता है तो बाकी जो मेरे सब्जेक्ट कमजोर हैं उनको अगर मैं थोड़ा कम भी टाइम दूंगा तो तब भी मेरा जो है मेरिट लिस्ट में नाम आसानी से आ जाएगा। लेकिन फिर आपने अच्छा एक बात बच्चों को समझानी पड़ेगी जी, आपने ये सोचा कि मैथ जो सॉरी रीजनिंग और हिंदी में मैं पूरे 25-25 मार्क्स कर दूं। फिर आपने जो बचे हुए 50 थे उसमें कितना टारगेट रखा आपने? 50 में सर क्योंकि मैंने सोचा क्योंकि सर जहां तक मुझे पता है 80-85 नंबर तो हर विद्यार्थी सोचता है लाने के लिए सेलेक्ट होने के लिए। जी, जी। तो मैंने सोचा सर इसमें जो दो सब्जेक्ट है मेरे 25-25 के, अगर इसमें से मेरे 25-25 50 नंबर भी आ जाते हैं तो एवरेज जो मेरे सब्जेक्ट है जैसे मैथ है
और एक आपका जीके जीएस है, इसमें अगर आधे आधे नंबर भी यानी 25 दोनों को मिलाकर 50 में से अगर मेरे 25 या 20 नंबर भी आ जाते हैं तो भी मेरा सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। मतलब आपका ही टारगेट था कि 75 नंबर तक मुझे लाना है, 75 नंबर पे आपका जी, मतलब आप ये उम्मीद कर रहे थे कि 75। देखो इन्होंने रणनीति बनाई कि भाई जो मेरे सब्जेक्ट थोड़े ठीक हैं मैं उनमें और थोड़ी मेहनत करूंगा तो फुल नंबर ला सकता हूं, और ये ऐसे विद्यार्थी करते हैं क्योंकि देखो हिंदी में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं और इनके हैं भी 24 नंबर हैं इनके हिंदी में, और उसी प्रकार से रीजनिंग में भी पूरे नंबर लाए जा सकते हैं और रीजनिंग में भी इनके बेहतर हैं, अच्छे नंबर हैं, तो इन्होंने इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया। हालांकि आपको फोकस करना चाहिए चारों को थोड़ा समय देने के लिए, लेकिन इनकी रणनीति इन्होंने खुद कहा कि यूनिक थी, अद्वितीय थी, मतलब ऐसे आमतौर पर विद्यार्थी नहीं करता लेकिन मैंने किया। फिर मैथ में इन्होंने मैथ और जो आपका जीएस था उसमें कितना समय दिया आपने और कितना स्कोर किया? जी सर, सर मैंने जो जीएस था वो पहले पढ़ा हुआ था, मैं पढ़ता रहता था, लेकिन मैं जो था मैं प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाता था सर, डेली प्रैक्टिस सेट लगाता था, और मेरे जो प्रैक्टिस सेट में जो हिंदी और जो मैथ था, हिंदी मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस ये चारों सब्जेक्ट थे, तो मेरे इसमें जो स्कोर आता था वो 60 या 70 के बीच में आता था, इससे ऊपर नहीं जाता था। मुझे पता था क्योंकि मैं मुझे पता था ये कि मैं मैथ और जो रीजनिंग है इसमें पूरा अपना मतलब पूरा योगदान नहीं दे पा रहा हूँ, यानी पूरा इसमें जो भी मैंने पढ़ा है वो अच्छे से नहीं कवर कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा हिंदी और जो रीजनिंग था उसमें मेरा अच्छा था। रीजनिंग में कभी कभी मेरा 25 में से 25 आ जाता था और हिंदी में मेरा 25 में से 25 भी आता था, तो मुझे तब पता चला था कि अगर मैं इन दोनों सब्जेक्ट को अपना अच्छे से कर लूँ तो बाकी सब्जेक्ट को अगर मैं कम टाइम भी दूंगा तब भी मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा सर, तो मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम दिया मैंने हिंदी और रीजनिंग को। मैथ को भी मैंने टाइम दिया लेकिन इतना नहीं दिया, और मैंने रीजनिंग को भी टाइम दिया लेकिन जो ज़्यादा टाइम दिया था मैंने उन सब्जेक्ट को दिया था जो मेरे अच्छे थे। अच्छा, सर ने कहा कि जिनको ज़्यादा मतलब अक्सर विद्यार्थी ऐसे कमी होते हैं जो अच्छे सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देते हैं और जो पहले से वीक हैं जिसमें वो मान रहे हैं उसको कम समय देते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी रणनीति जो थी, स्ट्रेटजी थी, वो अद्वितीय थी, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो सर मैं बस पूछना चाहूँगा कि जो कमज़ोर सब्जेक्ट थे आपने उनकी तैयारी फिर कैसे की? जैसे मैथ में आप क्या प्रैक्टिस सेट लगाते थे, जीएस में जैसे कि आपने कहा कि मैं डेली प्रैक्टिस करता था, और ये सच बात है, मैं भी हमेशा अक्सर ही कहता हूँ कि जीएस सबकी मतलब मैं ये कहूँगा कि कोई भी ये नहीं कह सकता कॉन्फिडेंटली कि मैं जीएस में 25 में 25 ला सकता हूँ। हो सकता है कि मैं पेपर लेके बैठूँ उसमें मैं खुद भी नहीं 25 में 25 कर पाऊँ, या हो तो मान लो कि रेयर कभी हो सकता है ऐसा कि भाई किस्मत अच्छी थी तो वो सेट को मैंने उठाया और पूरे 25 कर लिए, नहीं तो ये किसी से नहीं होता, चाहे वो कोई टीचर हो या फिर तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, क्योंकि जीएस में कई सारे सब्जेक्ट एक साथ जुड़ जाते हैं। इतिहास से सवाल पूछेगा, पॉलिटी से सवाल पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, इकोनॉमी से पूछेगा, स्टैटिक पूछ सकता है, करंट अफेयर पूछ सकता है, मतलब सामान्य जागरूकता के सवाल, सामान्य अवेयरनेस के सवाल वो आपसे पूछता है, तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किलात होती हैं, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि उसको मैंने टैकल किया डेली के डेली प्रैक्टिस सेट के पढ़ा मैंने, पहले जीएस पढ़ी थी उसको रिवीजन किया और डेली प्रैक्टिस सेट लगाए। मैथ की जान लेते हैं कि मैथ को कैसे ठीक किया, बाकी हिंदी का आपको बताया इन्होंने कि हिंदी को मैंने समय दिया, उसकी थ्योरी पढ़ी, उसके प्रैक्टिस सेट लगाए, रीजनिंग को भी मैंने थ्योरी उसकी समझी और उसके प्रैक्टिस सेट लगाए और उससे अच्छा स्कोर कर पाए, पहले से अच्छे थे और अच्छा स्कोर कर पाए उसमें। लेकिन सर एक बात और है कि वो दोनों सब्जेक्ट आपके अच्छे कैसे बने, हिंदी और रीजनिंग, ये दोनों फेवरेट कैसे बने आपके? सर फेवरेट ये था क्योंकि मैंने इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयार की थी, तो उस टाइम में हिंदी और रीजनिंग उसमें भी आते हैं, तो उस टाइम से मैं इनको पढ़ रहा था, और जो मैथ था मेरा मैं मैथ को निकालता था लेकिन इतना टाइम नहीं देता था मैथ पे, और जीके जीएस था उसको मैं पढ़ता रहता था, कभी भी जब मेरा मुझे टाइम मिलता था तब मैं जीके जीएस और मैथ को टाइम दे देता था। लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरा मन था कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एक सब्जेक्ट ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं वो, या एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट उनके ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो मेरा यही हाल था, मेरा भी ये था कि मैं मैथ जो है और जो ये आपका जीके जीएस है अगर ये नहीं भी होते हैं तो मैं उनको छोड़ के उन दोनों सब्जेक्ट को पकड़ लूँ जो मुझसे अच्छे से आते हैं, मैं उनको ज़्यादा ध्यान दूँ, तो इसलिए मैंने ये स्मार्ट तरीका अपनाया जो अधिकतर लोग अपनाते भी हैं, अगर आपने भी स्मार्ट तरीका अपनाया है तो आपको पता होगा। ये सबसे पहले मैं उन सभी भाइयों से जो बोलूँगा एक बार जो एसएससी जीडी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैं भी ज़्यादा बड़ा कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं भी टॉपर नहीं बना हूँ, और आपको भी ये समझना होगा कि मेरे कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके सबसे बेस्ट हैं, यानी आप उनमें आपका ऐसा होता है कि आपको सबसे अच्छे लगते हैं और अच्छे से आप उनको डेली पढ़ते हैं,
तो आपको अगर आपके दो सब्जेक्ट कमजोर हैं और दो सब्जेक्ट अगर आपके ऐसे हैं जिनसे आप अच्छे से कर सकते हो, तो तब भी आप इस एसएससी जीडी की भर्ती में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं सर। क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि आपको जो है यहाँ पर टॉपर नहीं बनना है, आपको सिर्फ जॉब चाहिए और जॉब आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि टॉपर को भी वही जॉब मिल रही है और आप अगर सबसे लास्ट में आए तब भी आपको वही जॉब मिल रही है। लेकिन इसमें यह होता है सर कि आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको अच्छे इसको करना पड़ेगा। हाँ वही है ना कि जैसे आप CRPF या किसी और उसमें अच्छे मतलब फोर्स सब होते हैं लेकिन सारे होते हैं एक जैसे, लेकिन कुछ लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती हैं और प्राथमिकताएं CRPF वगैरह होती हैं, तो उसमें फिर अच्छी रैंक लाने वाले को मिल पाते हैं, मतलब अच्छा स्कोर होना चाहिए, तो ये चीज़ें रहनी चाहिए। और मैं अक्सर एक बात बोलूँगा कि आज का समय थोड़ा सा परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है, और आज आपको अपने पूरे सिलेबस पर फोकस करना होगा। तो मैं कहूँगा कि प्रिंस से एक चीज़ सीखिए कि एवरेज होने के साथ औसत होने के बावजूद भी आप लोग परीक्षा को कैसे पास कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटजी पर चलिए, उनकी बताई हुई स्ट्रेटजी पर, कि एक एक सिलेबस को समझिए और उस पर अपना फोकस करिए। अगर कोई सब्जेक्ट मजबूत है तो उसको भी समय दीजिए और जो कमज़ोर है उसको भी समय दीजिए और कोशिश करिए। सब्जेक्ट कोई न तो मजबूत होता है न कमज़ोर होता, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि सर मैंने यूपी पुलिस के टाइम पे उन दोनों सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया था इसीलिए वो मजबूत हुए। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे सोचना है कि आपका कोई विषय न तो कमज़ोर है और न मजबूत है, आपके सभी विषय एक जैसे हों, तो एक जैसा आप समय दीजिए सभी विषय आपके अच्छे हो जाएंगे। आप रीजनिंग को भी समय दीजिए, आप मैथ को भी समय दीजिए, आप GS को भी समय दीजिए और आप हिंदी को भी समय दीजिए, मतलब प्रत्येक विषय की उतनी ही भूमिका है जितनी किसी और विषय की आपकी सफलता में, जितनी भूमिका मैथ की है उतनी ही भूमिका रीजनिंग की भी है। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने सभी विषयों को मजबूत करें और इस परीक्षा को अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण करें। सर ने कहा कि आपको जॉब चाहिए और आपको टॉप नहीं करना, मैं यही कहूँगा कि आप लोग फिर भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करिए, सभी विषयों पर पूरा फोकस करिए। और मुश्किल नहीं है, इस चीज़ का उदाहरण आपके सामने बैठे हैं, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, आपका फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, दौड़ वगैरह जो होती है, हाइट माप जो होती है, सारी कुछ क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि अभी भी 3.5 गुना विद्यार्थी हैं इसमें वैकेंसी के अगेंस्ट, लगभग 25,800 कुछ वैकेंसी हैं और 92,000 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है अगले चरण के लिए, अगले स्टेप के लिए। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि भाई का सिलेक्शन कंप्लीट हो और अंतिम चरण तक जाएं और देश की सेवा करें, कंधे पर वर्दी हो, शरीर पर वर्दी हो और जो देश की सेवा का सपना देखा है वो सच हो, न केवल इनका आपका भी सच हो। इसलिए हम लगातार आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लगातार हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारा हर सेशन का यही उद्देश्य होता है कि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें। इस सेशन से ये ज़रूर सीखिए कि आप भले पढ़ाई में औसत हैं, आप भले किसी न किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, आपको कमज़ोर नहीं रहना, उस सब्जेक्ट को समय देना है और मजबूत अपने आप को करना है। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने ज़्यादा समय दिया तो ज़्यादा अच्छे हो गए दो सब्जेक्ट, आप चारों विषयों को ज़्यादा समय दीजिए, आपके चारों विषय अच्छे हो जाएंगे और आप, मुझे लगता है कि इस बार 2022 में आने वाली GD की परीक्षा को ज़रूर पास करेंगे, ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। इस बार GD की परीक्षा में वैकेंसी ज़्यादा हो सकती है पिछली बार से, हालांकि बताया ये जा रहा है कि लगभग 84,000 पोस्ट खाली है, लेकिन 84,000 पोस्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि इस 2022 में भर जाएंगी, लेकिन फिर भी 25,000 से बहुत ज़्यादा वैकेंसी इस बार आने वाली है, क्योंकि इससे पिछली बार जब वैकेंसी आई तो वो 50,000 से ज़्यादा थी, तो लगभग 50,000 या 40,000 वैकेंसी इस बार भी रहेंगी। और GD की परीक्षा में इस बार आपको SSC की ओर से छोटा सा एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, बताया जा रहा है कि आपकी 1 जनवरी 2022 से ही एज काउंट होगी, तो कुछ विद्यार्थी जो ओवर एज हो गए 2-4 महीने की, जिनको कोई समस्या थी, तो उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रिंस से सीखिए, प्रिंस को समझिए, उनकी रणनीति को सुनिए और आप अपनी तैयारी में लग जाइएगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।